स्वयं श्रृंखला, स्वयं श्रृंखला आप क्या कहना चाहते हो, बोलो क्या है आपके मन की बात। टू बॉडीज ऑफ मास एम वन एम टू इनिशियली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है भाई, इनके बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दे अलाउड टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दोनों एक तरफ दूसरे के पास आ रही हैं। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बतानी है जब ये एक दूसरे के पास आ जाएगी। एट ए डिस्टेंस, इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रिड्यूस्ड मास या फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। इसको एक सिंगल लाइन में किया जा सकता है। मतलब एक ना मैं चीज स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो वीडियो सॉल्यूशंस बना रखे हैं उनको रेफर करिए। जो आज जिस बच्चे ने भेजे खुद प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मैं बच्चों छोड़ दूंगा इसके क्वेश्चन, ठीक है। चेंज इन किनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हमारे पास होता है रिलेटिव में हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर माइनस हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। एक ही फोर्स है जिसने काम किया है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस ऑफ माइनस जी एम वन एम टू बाय आर हो जाएगा, ठीक है। म्यू यहाँ पर बच्चों रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू होती है एम वन एम टू अपॉन एम वन एम टू। तो यहाँ पर वी रिलेटिव स्क्वायर, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, यू रिलेटिव शुरू में बॉडीज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थी, तो यहाँ से ये वी रिलेटिव आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। कैलकुलेशंस के लिए मेरे पास जगह बची नहीं है, तो क्या आप लोग मैनेज कर लोगे बच्चों इससे, तो क्या आप लोगों के पास यहाँ से आंसर बन जाएगा जी एम वन प्लस एम टू इंटू टू बाय आर अंडर रूट इज इक्वल टू वी रिलेटिव, दिस इज योर फाइनल आंसर। बट क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला आता है बच्चों, क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला आता है वर्क एनर्जी थ्योरम का? यस, अगर ये आपको सर ने करवा रखा है तो परफेक्ट है, फिर तो आप लोग यही मेथड फॉलो करिए। इसको करने का जो दूसरा अल्टरनेटिव वे है वो है, पहले आप लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन में आपके पास बनेगा एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, फिर आप लगा दो इक्वेशन नंबर वन मान लो इसे, फिर आप लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन गेन इन कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जी एम वन एम टू बाई आर। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन नंबर वन एंड टू टू गेट वी वन एंड वी टू, टू गेट वी वन एंड वी टू, दीज टू विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वी रिलेटिव की वैल्यू आएगी वी वन प्लस वी टू, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कैलकुलेशंस खुद कर लेना। क्या ये ठीक है रीत ज्योत? रीत ज्योत इज इट ओके विद यू? लो जी बच्चों, ये क्वेश्चन का ना कोई हल नहीं है मेरे पास, इसका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैथ्स में ड्राइव करते हैं, आपको इसे याद ही रखना पड़ेगा। लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर आर वन एंड आर टू, ठीक है। मतलब इसमें मैं बहुत ज्यादा गहराई में जाना ही नहीं चाहता, ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। ये डिस्टेंस आर वन है, ये डिस्टेंस बच्चों आपके पास आर टू है। देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम सन, आपको ये डिस्टेंस वाई या एक्स ढूंढना है, ठीक है। तो इसका गुड आइडिया है, शायद ये आंसर है रीत ज्योत, क्या इसका ये आंसर है बेटा? हाँ, अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो आप लोग जब एलिप्स पढ़ोगे तो उसको ड्राइव करोगे, अगर मेडिकल के हो तो रट्टा मार लो, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी, ये बच्चों आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है।
जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है, प्रेशर के साथ डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है, तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, तो आपका साइन तो प्लस वाला आएगा, माइनस वाला साइन तो आपका आने से रहा, तो बी एंड डी में से एक ऑप्शन, बी एंड सी में से एक ऑप्शन आएगी, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो मैथमेटिकली गलत है, डायमेंशनली गलत, रो जी एच, इसमें ये वाई तो नहीं आएगा, तो ये एच और वाई दोनों आ रहे हैं, तो ये तो डायमेंशनली गलत लग रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं बिना कैलकुलेशन के करूं तो दिस शुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अदरवाइज इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हो सकता है, आप लिख सकते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम को कैसे लिखोगे, फाइनल वॉल्यूम हो गया इनिशियल वॉल्यूम इंटू वन प्लस क्या होता है फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला, वी नॉट प्लस डेल्टा वी, एक मिनट को, मेरे पास होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पी बाय डेल्टा वी इंटू वी, यही होता है, तो यहाँ पर बेसिकली डेल्टा पी होता है, तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है डेल्टा पी इंटू वी बाय बी, तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम लिखना है वी प्लस डेल्टा वी हो गया, ये वी नॉट हो गया इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा वी हो गया, तो ये हो गया एम अपॉन वी नॉट इंटू वन प्लस डेल्टा पी बाय बी, डेल्टा पी है मेरे पास, नहीं यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है प्रेशर के साथ, वॉल्यूम कम होता है माइनस आएगा, तो प्रेशर की वैल्यू होगी रो नॉट जी वाई अपॉन बी, इसको ऊपर लेके बर्नौलीस थ्योरम अप्लाई कर दो, ऊपर ले जाके बर्नौलीस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये आंसर बनेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा रो नॉट इंटू वन प्लस रो नॉट जी वाई बाय बी इज इक्वल टू रो, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि आपका ये, आपको ये क्लियर होगा, आगे चलते हैं, ठीक है सर। अभी बर्नौलीस थ्योरम, तो बर्नौलीस थ्योरम मैंने कहाँ बोला, मैं बर्नौलीस थ्योरम बोला था, और यार ये उसमें पढ़ा था बर्नौलीस थ्योरम, नहीं मैं गलत बोल गया, फ्लूइड्स में पढ़ा था, प्रेशर में पढ़ा था, प्रेशर का ये फॉर्मूला पढ़ा था रो नॉट जी एच, मैं गलत बोल गया, रो नॉट जी एच, रीतजोत क्या ये क्लियर है, ये ऊपर आके साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत कैलकुलेटिव है, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको, मुश्किल से मतलब बड़ी मेहनत से किया था सॉल्व, सॉल्यूशंस में पर आप लोग रेफर कहाँ करते हो, तो ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, जिसके सिक्स फेसेस हैं, यूनिट क्यूब है, हर एक साइड की लेंथ वन है, इक्वल टेंसाइल फोर्स, हर तरफ से हम इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से ऐसे हर तरफ से इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द ईच साइड, तो हमारे पास आंसर सिग्मा की टर्म्स में आना है, सिग्मा और वाई के बीच में रिलेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस ही लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है थ्री बी इंटू वन माइनस टू सिग्मा, माइनस या प्लस मुझे याद नहीं है, किसी को ये फॉर्मूला याद है, हाँ जी एनीवन, विल यू प्लीज कंफर्म दिस रिलेशन, वाई, चलो मैं चेक करता हूं एक बार, उसके बिना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, रिलेशन बिटवीन वाई एंड बी, ओ एंड यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस आ गया जी, थ्री इंटू वन माइनस, बिल्कुल सही है बच्चा, परफेक्ट है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मेरे पास इश्यू क्या है कि मुझे यहाँ पर फोर्स चाहिए, आंसर में वाई चाहिए, बट बी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो बी को एलिमिनेट करूंगा, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर
अपॉन डेल्टा वी इंटू वी, ठीक है। अब प्रेशर तो मेरे पास हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अपॉन डेल्टा वी। हाँ जी ठीक है, अपॉन डेल्टा वी। अब एरिया तो वन यूनिट हो जाएगा क्योंकि यूनिट क्यूब है ये लिखा हुआ था, वॉल्यूम भी मेरे पास वन यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम मुझे देखना पड़ेगा, एक्चुअली वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एल क्यूब, तो डेल्टा वी बाय वी मेरे पास आएगा थ्री इंटू डेल्टा एल बाय एल, तो वी भी वन है एल भी वन है, तो यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू आएगी थ्री इंटू डेल्टा एल, डेल्टा वी की वैल्यू आएगी थ्री इंटू डेल्टा एल। वाई यंग मॉडुलस थ्री इंटू बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया वन है वॉल्यूम वन है, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है थ्री इंटू डेल्टा एल इंटू वन माइनस टू सिग्मा, ये थ्री से थ्री कट गया तो मेरे पास एफ की वैल्यू नहीं डेल्टा एल चाहिए, डेल्टा एल की वैल्यू बन जाएगी एफ अपॉन वाई इंटू वन माइनस टू सिग्मा, सी आंसर बन जाएगा। देखो भाई रीत ज्योत क्या ये सही है, समझ आ गया रीत ज्योत आपको? आई डाउट सिर्फ रीत ज्योत क्या हुए थे, ए वायर ऑफ रेडियस 1 mm बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 cm, द बेंडिंग मोमेंट विल बी, बेटा इसको छोड़ दो, बेंडिंग मोमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है इस क्वेश्चन को छोड़ दो। बाकी मतलब मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस क्वेश्चन को, बट फॉर द टाइम बीइंग तो इसको छोड़ सकते हो, ये इस तरह से है। हाँ मतलब जरूरत तो नहीं लग रही, छोड़ दो इसको। यंग मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज थ्री टाइम्स द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने थ्री बी इंटू वन माइनस टू सिग्मा, यंग मॉडुलस इज थ्री टाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी ये गलत हो गया फॉर्मूला, वो होता है टू ईटा इंटू वन प्लस सिग्मा, थ्री ईटा हो गया एज पर क्वेश्चन, ये ईटा से ईटा कट गया, थ्री बाय टू इज इक्वल टू वन प्लस सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू वन बाय टू, अगर सिग्मा वन बाय टू हो तो इसका मतलब ये क्या होता है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, देन बल्क मॉडुलस विल बी इनफाइनाइट, दिस इज हाउ यू कैन आंसर, वॉल्यूम इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट, क्या आंसर है इसका। आप सिग्मा की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो, यू विल गेट बी, मेरे ख्याल से इससे भी ये इन्फिनिटी बन जाना चाहिए, ठीक है आप ऐसे कर सकते हो, y b की वैल्यू लिख सकते हो, b इज इक्वल टू y अपॉन थ्री इंटू वन माइनस टू सिग्मा, सिग्मा को वन बाय टू पुट करोगे तो ये y बाय जीरो बन जाएगा, तो b की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी, दोनों मेथड्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द डायग्राम शोन शोज ए ग्राफ, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, फोर्स एंड एक्सटेंशन के बीच में ग्राफ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट विल बी इजियर टू कंप्रेस द गैस देन टू एक्सपेंड इट, गैस को कंप्रेस करना इजियर टू कंप्रेस, यार एक्चुअली हमने रबर को कंप्रेस तो किया ही नहीं, ये तो कोई तुक्की नहीं बनती, मतलब इससे तो कोई कंक्लूजन आता ही नहीं है, रबर की कंप्रेशन ये तो सिर्फ एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन यहाँ पे जीरो हुई है, हमने कंप्रेशन तो कहीं की नहीं, तो ये पॉइंट तो मुझे डाउटफुल हो रहा है। द रबर बैंड विल गेट हीटेड, ये बिल्कुल सही है क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ विल रिप्रेजेंट एन एनर्जी लॉस, ठीक है तो सेकंड कंक्लूजन तो बनता है, थर्ड ये होगा, नहीं 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 ये गड़बड़ है, ये वन है ये टू है ये थ्री है, इट विल बी इजियर टू कंप्रेस, ये गलत हो गया, ये चेक इन किया, रबर डज नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल लेंथ व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, ये तो वापिस आ रही है, इसमें एक्सटेंशन जीरो है, आफ्टर इट इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज, ये तो डज नॉट रिटर्न, ये भी गलत लग रहा है,
मुझे तो ओनली थ्री सही लग रहा है। क्या आंसर है इसका बेटा? जोत क्या आंसर है इसका? ए है। समझ आ गया बच्चे? रबड़ ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ ही रही है, रबड़ को कंप्रेस हम कर ही नहीं रहे हैं तो ये गर्म तो होगी। तो ठीक है जीत जोत को, ये भी क्लियर है। और इसके साथ जीत जोत के सारे डाउट्स और आपके इस बैच के सारे डाउट्स, आज के जितने भी डाउट्स थे, मेरी तरफ से समाप्त होते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। एक मिनट चेक कर लूँ किसी और का डाउट आया हो इन्फो ग्रुप में, डाउट सेशन में। ये दिनेश सर का मैसेज है, बट आपके किसी का कोई डाउट नहीं है बच्चों, ठीक है? तो लेट मी एंड दिस सेशन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।